अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज इफिस गैराज। तो वेलकम हो गया जी नए ब्लॉग। बात सीन ऐसे है कि हमारे पास आए हैं उमर भाई अपनी ग्रैंडी को लेके, और ग्रैंडी में लगा लिया इन्होंने एयर, क्योंकि पहले व्लॉग में माजिद भाई के साथ आए थे, पहले व्लॉग में इनकी गाड़ी में एयर नहीं थी, अब गाड़ी में लगी है एयर। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसी एयर है और इसके शशके कैसे इनकी गाड़ी के। गाड़ी में इन्होंने बहुत सारा फोर्स कार्बन का भी काम कराया, कार्बन का भी काम कराया है। शाह जी क्या हाल है? ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है शाह जी, सब खैरियत है। शाह जी वो कैलिफोर्निया तो आया, कैलिफोर्निया तो ठीक ठाक। ये देखें जी इनका स्पॉइलर लगा हुआ है, ये कार्पेट का यहाँ ट्रिम काम हुआ है, और अंदर रूम दिखाता हूँ इनका मैं आपको। रूम पे भाई फोर्ज प्लस कार्बन में काम हुआ है, ठीक हो गया। और ये लोकल ग्रुप की गाड़ी है और बड़ा लेवल का काम हुआ है। और ना उमर भाई जरा नीचे करें इसको। नाइस, ये जी एयर पे आ गई थी गाड़ी, ठीक है। ये बिल्कुल जी डेड ड्रॉप हो गई। और ये फिटमेंट देखें, इसकी फिटमेंट कैसी बैठी हुई है। फिटमेंट के तो पैसे हैं बस, ठीक है ना, फिटमेंट के पैसे हैं। अब उमर भाई के पास चलते हैं, उमर भाई से पूछते हैं उमर भाई कहाँ से काम कराया है इसका, एयर कहाँ से लगवाई है और एयर का एक्सपीरियंस कैसा है। A few inches later. जी उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है उमर भाई, एयर का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सकून है। कहाँ से लगवाई है एयर? ये बासित भाई से लगवाई है। अच्छा, बासित भाई से लगवाई है। अच्छा, लाहौर एयर वर्क से लगवाई है, ठीक हो गया। मतलब आपको इस पे फिटमेंट उन्होंने बिल्कुल ओके ग्रेड करके दिया? फिटमेंट ओके, बस अभी टायर प्रोफाइल, क्योंकि डेली ड्रिवन है गाड़ी। अच्छा, वो टायर प्रोफाइल अभी मोटी है इसलिए गाड़ी को भी इसलिए लाए हैं। ठीक हो गया, इंशाल्लाह जल्द ले लें फिर टायर भी चेंज करते हैं। टायर भी चेंज करते हैं। अच्छा, इनके टायर जो थे ना वो 215 और 225 45 17 के डले हुए हैं। इनको टायर चाहिए 215 और 40 के, ठीक है, जो प्रोफाइल इसके ऊपर फिट बैठती है, क्योंकि एयर पर जब लग जाए तो फेंडर के साथ टच होती है। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से टच हो रही है। ये जो सी है ये यहाँ पे टच हो रही है, क्योंकि इसकी जो टायर की प्रोफाइल है वो 225 45 है, ये 215 40 हो जाएगी तो इसकी फिटमेंट ओवर ओके बैठ जाएगी, ठीक है। फ्रंट से गाड़ी की लुक दिखा दो, फ्रंट से कर्नाड़ लगा के गाड़ी को हैवी किया, ठीक हो गया। ये गाड़ी है फ्रंट से, ठीक हो गया भाई। तो ये व्लॉग बड़ा मज़े वाला होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग के अंदर राणा हमजा भाई की गाड़ी भी आई थी और अली अहमद भाई की गाड़ी भी आई थी, और अभी आ गई है लोकल ग्रुप की गाड़ी भी आ गई है। तो ये लोग व्लॉग आपने लाजमी देखना, भूलना नहीं है, ठीक है। 2000 years later. अच्छा यार, सीन ऐसे हो गए, सीन ये हो गया कि भाई शॉप पे आया, शॉप पे यार एक बॉयज आए हुए, चार पांच लड़के आए हुए हैं, उनकी गाड़ी की फ्रंट ग्रिल हमने किया है ब्लैक ग्लॉसी रैप। अब मैं समझ रहा कि चार पांच बंदे आए हैं, कोई 10-15 लाख रुपए काम कराएंगे, लेकिन वो भाई उन्होंने जस्ट ग्रिल रैप करानी थी, वो बम्पर का कोई थोड़ा होता है इशू है इनका, वो कराया उन्होंने। और हमारे जोन से यहाँ पे खान साहब है, 2 हफ्ते की छुट्टी करके अब आए हैं, और खान साहब बैठे हैं। खान साहब क्या हाल है, ठीक है आपके? खान साहब, खान साहब जब से आए हैं खान साहब लगे हुए हैं भाई अपनी गाड़ी बेचते हैं। खान साहब कौन सी गाड़ी है आपके पास? 17 मॉडल। इनके पास 17 मॉडल कौन सी है? मेहरान है। कौन सा कलर खान साहब? गोल्डन कलर है। खान साहब ये बताए आपने उसको मॉडिफाई किया? सिंपल जेन्युइन है। सिंपल है, सिंपल है। अच्छा, वो उसके अंदर कोई रंग रुंग पीस तो नहीं है? बाहर से सारी शावर है। अच्छा, बाहर से सारी शावर है। अच्छा, तो 5 लाख की बन जाएगी भाई? क्या चोरी की है? ओहो। अच्छा भाई, ये नहीं हमें पता, ये हमारा क्योंकि सेल्स सूल का कोई पेज नहीं है भाई, ये तो बस ऐसे शुगर लगा रहे थे। अभी वो गाड़ी खड़ी है, उसका बम्पर का काम हो रहा है, वो देखे उसके अंदर पुलिस लाइट्स भी लगी हुई है। बाकी उनसे बॉयस के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई काम कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा। बॉयस देख रहे हैं बड़े गौर से गाड़ी को, और हमारे जो से शॉप के बॉयज हैं वही खाना खा रहे हैं। सर हाथ लाए रहमान भाई, इधर देखे ना रहमान भाई आप। सही है। अकबर भाई तबीयत खराब है भाई की। अच्छा जी, रहमान भाई की यार तबीयत 2 दिन से खराब है। रहमान भाई कल भी लेट आए थे, आज भी छुट्टी का इरादा खा है, असल में बेसिकली छुट्टी का इरादा। जब किसी बंदे की तबीयत खराब हो तो उसका छुट्टी का इरादा होता है, अगर इसे छुट्टी की तो हम तो समझ जाएंगे कि भाई इसने क्यों छुट्टी की है। तो लिहाजा रहमान भाई छुट्टी आपने नहीं करनी। और एक हमारे नए शागिर्द आए हैं, क्या नाम है आपका? कालू मदारी। नहीं यार इस तरह नहीं कहते, इसका नाम है अब्दुल रहमान, नाम है बहुत अच्छा नाम है भाई। कोई भी बंदा इसको कालू मदारी नहीं कहेगा। जिस बंदे ने इसको कालू मदारी कहा ना तो इफी भाई से बुरा नहीं होगा। देखो सारे बंदे सुधरे हो, जिस बंदे ने इसको कालू मदारी कहा तो मुझसे बुरा नहीं होगा, ठीक है भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी चलते हैं यार उधर जो गाड़ी खड़ी उसके पास, उन भाई से पूछते काम कैसा लगा है। चलो चलो चलो, पता नहीं वो क्या हमें
मतलब के फीडबैक देते हैं। कि ये हो गई है रैप यार, जरा हटना बोली साहब आगे से। हेलो साइड बजा यार भाई, ये ग्रिल रैप हो गया। ग्रिल के बाद ग्रिल के शशके देख ले कितने प्यारे आ रहे हैं, और ग्लोसी ब्लैक में रैप कराया है। उसके बाद अभी साइड मिरर करने लगे, साइड मिरर भी रैप करने हैं। तो ये अब्दुल रहमान भाई है, उनकी गाड़ी है। तो अब्दुल रहमान भाई से पूछते हैं कि इनको गाड़ी का काम कैसा लगा। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, गाड़ी का काम करवाया आपको कैसा लगा है? आपको बहुत अच्छा लगा है, मतलब जिस तरह आप चाह रहे उस तरह काम हुआ है। बस आपने यही काम कराया, रैप करानी थी बस, इसके अलावा बाकी फर्दर कब काम कराएंगे? थोड़े दिन तक आएंगे। अच्छा ये सब दोस्तों के साथ आए, 3-4 भाई है, साथ आए, एक भाई गाड़ी में बैठे हैं, एक भाई पीछे खड़े हुए हैं। तो अभी बाकी काम जो है, अंदर एक लाइट भी लगवाई है सिंगल वाली ना, जो पहले आती थी कोरोना वगैरह में लगाते थे, तो वो लाइट लगाई है। वो भी लाइट दिखाते हैं कौन सी लाइट है। वो ये लाइट लगवाई है इन्होंने पहले, जो आती सिंगल पीस वाली। तो अभी ये लगवाया जस्ट, फिर डायनेमिक लाइट्स का सीन जो है वो बाद में बनाएंगे। तो जैसे इनका काम कम्प्लीट होता है तब बताते हैं। अभी साइड पर होने आई रैप, अभी सारे गंदे से हैं, इसको ग्लोसी ब्लैक रैप होना, ठीक है।